गाड़ी यहाँ से रेडी होके निकलेगी ना, दिमाग घूमने गया ना लोगों का, आप भी देखना। ये एक बार मारा ना, मारुति में जाओगे ना, अगर आप मेरा नंबर नहीं मांगा ना डीलरशिप वालों ने, कहाँ से करवाया। बाहर निकलेगी तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। वो तो पहचान ही नहीं पा रहे क्या गाड़ी अपना है। सर तुम्हाला कधी पॉसिबल आहे इकडे कलर फायनल करण्यासाठी यायला? हा सर, तुम्हाला टाइम असेल तर येऊ शकता सर। येण्यावर फक्त एक कॉल करा मला। अभी कस्टमर से बात हो गई मेरी, दोपहर में 2 बजे को वो बोले कि हम पहुंच जाएंगे यहाँ। ये वाला जो है ये बैठो, ये वैगनआर में जो हम लोग ने किया था, हाँ मैं देखा वीडियो, ये वो कलर है। अभी लाइट पड़ती है तो इसका स्पार्कल बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सटल कलर है। बट ये है सॉर्ट ऑफ कैंडी रेड जो हम लोगों ने बनाया है। इसमें जो क्लियर कोट भी जो जाता है ना, उसमें भी रेड टिंट है। जो डेप्थ ये कलर का है वो अलग ही है। और ये इन इटसेल्फ फीका नहीं है, आप उसके सामने देखोगे तो फीका लगेगा ही लगेगा। उसके सामने आप बाकी कोई भी रेड रख दोगे वो सारे फीके लगेंगे। ये अनकॉमन है कलर, ये गाड़ी बाहर जाएगी क्रोम टाइप का फिनिश देगा, रेड क्रोम। ये कलर है वॉल्केनो रेड। देखो अभी बहुत गाड़ियों में ये देखो, ये स्विफ्ट है सॉलिड रेड, आप उससे कंपेयर करोगे ये भी फीका लगेगा। ये पोलो रेड वापस, आप एक बार वो देख लिए ना बाकी सब वैसा लगेगा, वो है ही है। ये देखो पोर्शे का कलर है कैरामाइन रेड, देख लो फीका ही तो लग रहा है पूरा, तो लगेगा ही ना, उसके सामने सब लगेगा। ये देखो BMW जो नीचे खड़ी है वो मारा है। आपका सर क्या सजेस्ट? मेरे हिसाब से ये कलर बहुत सुंदर है। हाँ। गाड़ी यहाँ से रेडी होके निकलेगी ना, दिमाग घूमने गया ना लोगों का, आप भी देखना। एक बार धूप में बाहर लेके देख लेते हैं, फिर आप कॉल लो क्या करना है। छाव में ऐसे बैठ के देखने में वर्सेस बाहर एक बार देखने में थोड़ा फर्क आता है। अब यहाँ पर देखो चमकीली कलर में सारी, ये होता है सॉलिड, इसके अंदर चमकीली नहीं होती, कंपेयर टू अंदर मेटालिक फ्लेक्स ऐसे रहते हैं। ये देखो लैंड रोवर का जो आपने वीडियो देखा वो ये है, धूप में ग्लॉस समझ में आता है, ठीक है। ये ज्यादा ग्लॉसी अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो है वैसा, उसको वो उसका स्प्रेइंग सिस्टम ही टोटली अलग है। ये एक बार मारा ना, मारुति में जाओगे ना, अगर आप मेरा नंबर नहीं मांगा ना डीलरशिप वालों ने, कहाँ से करवाया मेरे को बोलना। सर मेरे को यही चाहिए आपसे, सर यही चाहिए आप। देख के दिमाग घूम जाएगा ये लोग का। बाकी ये सब देखो ये बहुत नॉर्मल है। नहीं नहीं, मैं नॉर्मल करने ही नहीं सर, तो मैं बेच के दूसरा गाड़ी लेता था सर। मैं बोला नहीं, आपका फेसबुक यूट्यूब पे देख देख के मैं बोला नहीं, अभी करेंगे अभी इधर ही करें फिर इसको फाइनल। फाइनल सर, ठीक है। लेक्सस रेड सर ने बोल दिया तो उधर ही फाइनल हो गया। MS का बहुत डेंजर वीडियो आपका कड़क। अरे मत पूछो सर, मैं पागल हो गया, वो गाड़ी बनाते बनाते वो एक बनाई सर, बोलते और दो है और बनाने की है। मैं कहा कंडीशन कहती है, बोलते इससे भयंकर है। मैं कहा हो गया फिर, पर चैलेंज अच्छा रहता सर उसको बनाने का। हाँ होता है, बट वो क्या है बहुत कम गाड़ियां हम लोग वैसी ले पाते हैं, क्योंकि अगर वही गाड़ियां करते रहेंगे ना तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। 3 डेंटर है, 2-2 महीना निकल जाता है गाड़ी बनाने में। मेरे को मैं जब गाड़ी छोड़ना है तो बोले हमारे पास अभी खाली नहीं है। वो अभी भी खाली नहीं है, नहीं छोड़ दो इधर छोड़ेंगे, चल फाइनल करवा लो ये, ठीक है। देखिए वाली गाड़ी पेंटिंग के लिए आई है, दरवाजे थोड़े से रस्ट हो गए हैं, बाकी फ्रेम पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो तुझे बाहर दिख रहा है ना, ये ज्यादा सड़ गया है, ऊपर से तो ये वाले भी सड़े हैं। तो ये वाला अंदर से खराब होगा ना। ओके, तो हम लोग अभी नहीं, ठीक है यार, मतलब ये वाला डोर बदलने वाले हैं और बाकी का इसको सैंड कर लेंगे। अगर अंदर तक सड़ा हुआ नहीं होगा ना तो ठीक है, सही है ना। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो छोटा पैच कर लेंगे। ये मेजर है इसलिए आई थिंक बदलना ही ठीक है। कलर पता है कौन सा हो रहा है? नहीं, कौन सा? कैंडी रेड। कैंडी रेड, हाँ। किसका है? टोयोटा का है, लेक्सस का है, टोयोटा और लेक्सस एक ही हुआ ना। पर पता है बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि पूरी गाड़ी एकदम ठीक है, ये कोई कोई जगह पे दरवाजे पे रस्ट हुआ है, मतलब वैसे फ्रेम वगैरह सब ठीक है। हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। गाड़ी डाल दे डेंटिंग में, देख कितनी मस्त लगती है यार अभी भी।
ये लेफ्ट के फ्रंट डोर में नॉइस आ रहा है। बाकी सब ठीक? ये स्लो चल रहेगा आज। देखो सेंसर, सेंसर बंद है। ओके, खाना खाने का टाइम होने आया है, चलो खाना खाने। माधव भाई जो कार पे एंट्री वगैरह नहीं किया तो उधर कांच में आवाज आ रहा दोनों का, तो सुनिए स्लो चल रहे हो। तो मैंने प्रॉपर इन्वेंटरी ले ली है गाड़ी की, लेकिन मेरे पास जो प्रिंट है ना वो जॉब कार्ड फाइल में है और ये नई प्रिंट है। चलो आ रहे तुम, चलो अलविदा। और भाई कैसे, क्या लाया इसके तुम? दरवाजों का ऐसा है कि जब हमने इनिशियल गाड़ी को इंस्पेक्शन किया था तब हमें लगा था कि एक ही दरवाज़ा जो है वो रस्टेड है और बाकी दरवाज़ों पे थोड़ा सुपरफिशियल रस्ट होगा, बट जब हमने सारे दरवाजे पूरे खोले तो पता चला अंदर की तरफ से और सपोर्ट बीम की तरफ से काफ़ी जो है पैनल सड़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये चारों दरवाजे बदल देना ही सेंस बनता है। मारुति बलेनो के एनीवेज पैनल जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक एक दरवाजे का कॉस्ट कुछ 5.5 से 6 हज़ार के बीच में आया था। इस गाड़ी पर हमने जो कलर फाइनल किया वो है कैंडी रेड, और जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ, यूजुअली जब हम गाड़ी पर कलर स्प्रे करते हैं तो बेस कोट एंड क्लियर कोट में रहता है। बेस कोट इज़ द पिगमेंट, मतलब ब्लैक ब्लू रेड, एंड देन क्लियर कोट जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। पर कैंडी कलर में ऐसे होता है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं। तो बेस कोट जो होता है वो कैंडी कलर का यूजुअली सिल्वर रहता है, और जो क्लियर कोट रहता है उसमें हम लोग टिंट ऐड करते हैं। मतलब अगर हम कैंडी रेड बना रहे हैं तो सिल्वर बेस कोट के साथ जो है हम लोग क्लियर कोट में रेड टिंट डालेंगे, अगर हम कैंडी ग्रीन बना रहे हैं तो सिल्वर बेस कोट के साथ क्लियर कोट में हम ग्रीन का टिंट डालेंगे। दूसरा कोट मारेगा ना ये जगह पे थोड़ा सा गन का एंगल चेंज करना है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा क्लियर कम बैठने के वजह से थोड़ा ऑरेंज टोन आ रहा है। हिमाचल भाई ये मारना हमें मुश्किल क्या है? बहुत मुश्किल है एक्चुअली। कैंडी कलर दिखने में जितना अच्छा है तो एक्चुअली एप्लीकेशन के लिए, पेंटर के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो सिल्वर के ऊपर हमको रेड कवरिंग करना है और एक तो क्लियर में टिंटेड क्लियर है, तो क्या होता है कि इसमें अगर पेंटर अगर थोड़ा सा भी एप्लीकेशन में गलती करता है तो कलर में क्लाउडिंग दिखता है, मॉटलिंग दिखता है। अच्छा। तो इसलिए उसको हमको थोड़ा संभाल के मारना पड़ता है, तो ओवरलैपिंग जो है वो प्रॉपर करना पड़ता है।
तो ज़्यादा करके हमको बॉर्डर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कहीं पे बॉर्डर पे अगर ज़्यादा डीएफटी बढ़ता है तो ब्लैक पीस हो जाता है, तो वो हिसाब से हमको थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो सब लोग एक्साइटेड है ये कलर के लिए। लग रही है ना गाड़ी, बाहर निकलेगी तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत सुंदर आया कलर, पूरी फाइनल रेडी होने के बाद जब पॉलिश वगैरह होगी ना तब एक्चुअल लुक आएगा इसका। मस्त है ना, सुंदर है कलर। बलेनो की बॉडी हम लोगों ने पेंट कर दी थी, कितने 15-20 दिन हो गए ना पेंट किए हुए, तो बाकी के जो सारे पैनल्स है वो पेंट नहीं किए थे क्योंकि तीन दरवाजे हमने ऑर्डर कर दिए थे। एक दरवाज़ा जो है वो बाद में पता चला कि वो भी रस्टेड है, उसका ऑर्डर डाला तो वो काफ़ी लेट आया है, अब आया तो हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। तो लोग ये नए पैनल्स देखेंगे और बोलेंगे कि नए पैनल्स पे रिपेयर का काम क्यों हो रहा है, तो यूजुअली जब पैनल्स बनते हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में कई जगह पे डैमेज हो जाता है, तो अब एज इट इज़ तो यूज़ नहीं कर सकते और हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वैसे डैमेजेस पे रिजेक्ट करने लगे पैनल्स तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के आधे पैनल्स रिजेक्शन में ही जाएंगे। तो जहाँ छोटा मोटा इधर उधर डेंट रहता है कुछ है उसको रिपेयर किया जाता है और उसके बाद बिठाया जाता है। ये हमारे यहाँ पर ही नहीं, इंडिया में चाहे आप किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में या किसी भी बॉडी शॉप में काम करवाएंगे, नए पैनल जब भी आते हैं किस्मत अच्छी होती है तो डैमेज कहीं नहीं होता है, अगर किस्मत थोड़ी ख़राब होती है तो छोटा मोटा किधर माइनर डेंट आ ही जाता है, तो वो सबको रिपेयर करके उसके बाद प्राइमर करके फिर पेंट सेक्शन में जाएगा। ये सबको रहने दो, इसको मैट ब्लैक कर दो, और क्या चीज़ है बताओ। ये इसके नीचे भी जो लिप आ रहा है ना वो भी रेड रहने दो, वो वाला है ना। हाँ ठीक है, वो भी रेड रहने दो। ये ग्रिल सब जो ब्लैक, स्पॉइलर भी रेड रहेगा, गाड़ी का साइज बड़ा दिखेगा अगर सब ब्लैक हो गया ना, तो वो दिखेगा अलग से बैठा हुआ है। अभी देख ये वाली गाड़ी देख, इसका नया मॉडल देखा है तूने, क्लैडिंग सारी इसकी बॉडी कलर में आती है, बॉडी कलर बेटर दिखती है। हाँ अभी सब गाड़ी वही करती है, अब ब्लैक तो बहुतों में कर दिया ना, इस बार इसको लाल रख के देखते हैं।
Her skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hit in my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of make you forget that you've been living in. It's for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. It's for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. Ayy, look. Incense turn to ash, day turn into night. Hate it when the unsaid turn into fights. Gotta keep it player, I'ma speak on the real. This love really ain't a game, girl, don't sleep on the field. You make it from the low side, hit a high note. Presidential, girl, you getting my vote. Shower for an hour, then we hit the hydro. Hit the road, she be down to go wherever I go. I know, I don't around and snag me a keeper. Down the ride with me till we both meet the reaper. Up late nights, guess she really ain't a sleeper. Bet the neighbors know my name, got them acting like a creeper. Anything on your mind, baby girl, just say that. Been a bad girl, you know daddy don't play that. We ain't never declined since we met way back. So baby, just recline, go ahead, lay back. Skin tinted brown sheets and it's Chanel. Hit the highway when she hitting my cell. Body talking to me, I've been listening well. The type of make you forget that you've been living in. It's for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. It's for the grown and the sexy. Go ahead and text me. I know the Lord real and it shows that he blessed me. Uh-huh, look. Candle turn to fumes, night turning to day. If you ain't got work, girl, you welcome to stay. Your ex was a fool when he turned you away. I turn your to the side, now you ready to play. I play it off like a player, but you seen right through it. She don't waste a minute, we be getting right to it. Netflix playing, we ain't seen one scene. Got a new text message, left it clean on scene. Now I seen what it mean to be seen with a queen. Seems so serene, you a scene from a dream. New toothbrush in the bathroom for you. You ain't never gotta leave, I got mad room for you. Tryna show you something that you probably never seen, baby. And if you with it, make it a forever thing, baby. Okay. Hello sir, kaise aap? Gaadi achhi lagi? Awesome. जैसे सोचा था तो हिसाब से बोला, हमको लगा था दिमाग में उससे बहुत अच्छा बना। कलर बहुत सुंदर आया है। नहीं, मैं भी एक्चुअली उम्मीद नहीं कर रही थी, और आज मेरे ख्याल मैंने पहली बार धूप में देखी है। वो कैंडी शेड उसका पूरा निकल के आ रहा है, बहुत प्यारा है कलर। वो तो पहचान ही नहीं पा रहे कि गाड़ी अपना है करके। गाड़ी ऐसा बनेगी जब अपन रोड पे चले जाएंगे सब लोग पूछेंगे। ये तो है सर, ये तो है। मतलब एक एक बंदा मुड़ के देखेगा, एक एक बंदा पूछेगा, एक एक बंदा कलर के बारे में पूछेगा, स्टैंड आउट करेगी गाड़ी में। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक्स, तुमने सजेस्ट किया कलर के बारे में, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।